हजरत सरकार वाली बगदाद शहनशाह जीलान रदी अल्लाह ताला नू सुन्नियत के वो अलमबरदार दरवेश हैं कि जिस तरह दुनियाए तरीकत में आप एक मीरे कारवां हैं, इसी तरह दुनियाए इल्म में भी एक आप शहबाज हैं। और जिस वक्त के मोतजला का इतना उरूज है कि वो आसमानी अजमतों का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे वक्त में आपका कोई वाज गालिबन ऐसा नहीं है जिसमें मोतजला का रद नहीं है। गवर्नमेंट का अपोजिशन का आदमी जिसका नाम हजरत इमाम अहमद हम्बल है, वो अगर उनके दौरे हुकूमत में दुर्रे खा के शहीद हुआ है, उसको कहना वो मेरा इमाम है, ये तो मौत का दरवाजा खटखटाने के बराबर है। इसका माना है आईने जमा मर्दा हक गोई और बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई। और चूंकि पहले दिन जो हमने काम शुरू किया है वो सुन्नियत के नाम से शुरू किया है, हमारी जिंदगी की कमाई यही अकीदा है और ये इख्सान है मेरे जद्दे करीम का। आज माथे पर तिलक लगा के हजारों शहीद बने जिसका नाम इमाम हसन है, वो मेरा बाप है। उन्होंने खिलाफत राश्ता की सीट छोड़ी और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला को इख्तियारात सौंपे। ये किसका एहसान है? ये इमाम हसन का एहसान है। वो खून रसूल है, वो खलीफा राशिद है। जिसको इख्तदार सौंपते वक्त खलीफा राशिद कहते हो, नारे के वक्त उसको क्यों शामिल नहीं करते हो? आपको मौलाना याद होगा ओल्डम में तकरीर हुई थी, नारा तहकीक पर को गुफ्तगू करने लगे तो मुझे कहने लगे आप करें। मैंने कहा यार ये नारा जेलम से चला है, बदअकीदा लोगों ने इसकी इब्तिदा की थी। वैसे तो बदअकीदा लोगों की कोई बात आप कबूल नहीं करते, लेकिन ये कबूल कर ली। मगर किया क्या, वो नारा खिलाफत लगाते थे, उसके बाद कहते थे हक चार यार। वो तो इमाम हसन के मुनकरीन ठहरे, इसलिए हक चार यार पर उनका गुजारा होता था। तुम तो अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए हजरत इमाम हसन के खिलाफ से रास्ता पेश करते हो। इमाम हजरत बक्की ने कहा क्यों, कहा कि नहीं कहा कि वो खलीफा बराक हैं? इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने कहा कि नहीं वो खलीफा बराक हैं? इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने कहा कि नहीं कि वो खलीफा बराक हैं? आपकी सारी अकायद की किताबों ने यह बात कही है कि नहीं? मकालातुल इस्लामीयीन के अंदर अबुल हसन अशरी ने यह बात कही है कि नहीं वो खलीफा बराक हैं? आपके शरा अकायद ने यह बात कही है कि नहीं वो खलीफा बराक हैं? तो अगर उन्होंने नारा वो छोड़ा तो उनको तो कोई इख्तराफ होगा, तुम्हें क्यों इख्तराफ है? लेकिन तुमने क्या बहादुरी की, तुमने जवाब वही दिया जो उन्होंने दिया था, जवाब में मुकलिद हो उनके। सिर्फ नारे का आगाज करते हुए वो खिलाफत कहते थे, वो तहकीक, तुम तहकीक कहते हो। यार नारे के लगाने में और नारे के टाइटल में कोई मुनासिबत तो चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? मैं तहकीक कर रहा हूं। यह मसला तहकीक करके दें, कोई डिक्शनरी उठाएंगे तो उसके माना खिलाफत के कहीं हैं? इंसाफ से बात करो। नारा खिलाफत का तो ताल्लुक बनता है ना खलीफों के साथ, नारा तहकीक का क्या ताल्लुक बनता है? अगर मैंने यह बात कही है तो जुर्म क्या किया है? मैंने कहा पांचवें खलीफे को भी शामिल करो, और अगर साहबों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हो तो हक सब यार कहो ताकि अमीर माविया रज़ी अल्लाह उसमें शामिल हो। कि सबसे ज्यादा जिसका इनकार हुआ वो जनाब अमीर मावी रज़ी अल्लाह तआला, क्यों ये बात हुई कि नहीं हुई? आज से कोई 25 बरस पहले की बात है, तो आज से 20-25 बरस पहले कोई इस बात पर गुफ्तगू नहीं हुई थी, कोई बात नहीं चली थी। ये बात कही है? मैंने नहीं कही। मैंने बुरा क्या किया है? अगर मैं ये चाहता हूं कि नारे में हजरत अमीर मावी रज़ी अल्लाह को भी शामिल करो, हक सब यार कहो ताकि ये वहां दूर हो जाए, तुम किस मजहब के आदमी हो? तो जिसने पहले सुन्नियत को कायम किया उसको निकाल के नारा क्यों लगाते हो, मुझे ये समझाओ। बात समझने की है कि नहीं? और ये के अली की बात जूई को करे फौरन कहे इससे शिया को तकवीद मिलती है। मैं तुमसे अजरे इंसाफ चंद बातें पूछूंगा। अगर कुरान मजीद के अंदर तौहीद की आयतें हैं, तौहीद बयान करने से वहाबियों को फायदा पहुंचे, आप उन आयतों को निकाल देंगे? उनका प्रोपेगंडा बंद कर देंगे? तौहीद के ही वो मुद्दई बनते हैं। लेकिन क्या इस बहाने से कभी आपने तौहीद से जुबान को रोका है? फिर
इमाम अबुल हसन अशरी ने और दूसरी अकायद की किताबों ने सब ने लिखा है कि जो खारजी थे ये शेखैन की फजीलत में इस कदर गाली थे कि वो सरकार के मुकाबले में इनकी तारीफ ज्यादा करते थे। आज अगर शेखैन की तारीफ को सिर्फ इसलिए रोको कि खारजियों को फायदा पहुंचता है, क्या ये इकदाम दुरुस्त है? हम कहेंगे सिद्दीक तू नबी पाक का यार गार है, तू उम्मत मुसलमा का सरदार है, फारूक तू आलम इस्लाम का फातह आजम है, तूने इस्लाम को एक सुपर पावर बनाया, अब अगर किसी को फायदा पहुंचता है पहुंचे, हम तेरी अजमत से अपनी जुबान को नहीं रोकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात कुरान मजीद में है कि नहीं है? है ना। आपने उनको इसलिए रोका है कि इससे फायदा यहूदियों को पहुंचता है? जिस मुल्क में आप हैं इस मुल्क में नजरियाती तौर पर माशी तौर पर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो जो यहूदियत है वो बरसर इख्तदार है, तो क्या आप इस बहाने से ये कहने का हक रखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के फजाइल को इसलिए रोक लो कि वो इसका फायदा यहूदियों को पहुंचता है? वो कुरान मजीद की आयतें निकाली हैं आपने। ईसाइयों का ये मुल्क है, इस मुल्क रहते हो, आपके जितने मौजूद ईसा अलैहिस्सलाम के हैं कुरान मजीद में मजकूर हैं कि नहीं? उनको रोकते हो? अगर ये कहो जाओ ये बयान करने से ईसाइयों को फायदा पहुंचता है, अगर तौहीद की आयतें बयान करने से वाबियों को फायदा पहुंचे, शेखैन करीबैन के फजाइल बयान करने से खारजियों को फायदा पहुंचे, यहूदों नसारा के सामने मूसा अलैहिस्सलाम के ईसा अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान करने से उनको फायदा पहुंचे, उनसे जुबान न रोको। एक अली ही ऐसा शजरा ममनू है जिसका जिक्र करने से तुम गुरेज करते हो?